और बाकी चार से ये उठो उठो स्कूल नहीं जाना। मेरा इसमें से कोई भी नहीं है। प्लीज़ वीडियो देखने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आज के करते हैं व्लॉग शुरू। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हर मुसीबत से महफूज अता फरमाए, ये मेरी दुआ है। जी सुबह के टाइम में आए चलते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने। जी अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आगे आज की रूटीन के मुताबिक जो भी काम हुआ इंशाल्लाह साथ साथ। अभी चलते हैं बाहर फसलों की तरफ, देखते हैं मोहम्मद मनशा साहब चारा लेने के लिए गया है तो उसने चारा काट लिया या नहीं। चलें चलते हैं फसलों। जी अभी बाहर निकल आया हूँ मैं अपने खेतों की तरफ तो मोहम्मद मनशा अभी घर के लिए लकड़ियाँ बना रहा है तो उसके पास अभी चलते हैं देखते हैं कितनी लकड़ियाँ उसने आज काटी हैं। तो ये देखिएगा इधर सामने ही होगा, ये दरख्त उसने काट लिया। दरख्त काट के तो सारी ये गड्ढे के ऊपर उसने लकड़ियाँ लोड कर दी हैं मेरे आने तक, तो उसने सारा ख़त्म भी कर दिया। लावर भी उसके साथ ही है। घर पे मैं निकलने लगा हूँ और दिलावर लोग और वो मोहम्मद मनशा लकड़ियाँ लेके आ गए, वो इधर उतार रहे हैं। चलें जी अब निकलते हैं आगे की तरफ। अभी मैं बिल्कुल सफ़र में ही हूँ तो रास्ते में थोड़ी थोड़ी आप लोगों से बात करता जाऊँगा। जी अभी बच्चों को स्कूल लेने जा रहा हूँ, उनका छुट्टी का टाइम हो गया सेकेंड टाइम, तो अभी मैं जा रहा हूँ सिटी उनको लेने के लिए, तो वहाँ से होके आते हैं तो फिर इंशाल्लाह आज एक दो काम और भी हैं। मैं शहर तो पहुँच आया हूँ तो यहाँ से एक आवाज़ दी है, हमारे इलाके के एक मशहूर मलंग है, दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, बाबा मालन शाह। बाबा मालन शाह के मलंग हैं तो उनका इधर पास ही डेरा है, उसने मुझे आवाज़ दी है तो उनसे बात करते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये उन्होंने इधर एक डेरा बनाया हुआ है, इधर ही बेचारे बैठते हैं सर्दी गर्मी में। और एक और बात इनकी बड़ी मशहूर है, वो बात ये है कि ये चाहे सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, बाबा मालन शाह के जो मलंग है ये अपने जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा नहीं रखते। और जी जेब जमशेद साहब की हाल है, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपने आवाज़ दी है सड़क से तो मैंने सोचा चले जमशेद साहब आज बुला रहे हैं बात ही सुनते हैं जमशेद साहब की। जी मैं अभी अदनान की शॉप पे हूँ, मेरा प्यारा दोस्त आपने पहले भी देखा होगा। अदनान क्या हाल है? बहुत मशहूर और मरूफ बंदे हैं ये, तो बच्चों को स्कूल लेने आया था यहाँ थोड़ी देर के लिए, अभी अदनान के पास बैठा हूँ तो यहाँ से इंशाल्लाह फिर आगे की तरफ निकलते हैं। इतना जबरदस्त कारीगर है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई भी मॉडल हो किसी किस्म का मोबाइल का, अगर आपकी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदनान से आप मशवरा कर सकते हैं। और चीज जो मैंने आपको अभी दिखानी थी वो ये थी कि ये अदनान के पास इसी तरह लाइन लगी होती है, जब भी आए तो इसके साथ बात करने का हमें मौका भी नहीं मिलता, तो बस ऐसे ही इसके पास बैठते हैं 5-10 मिनट और फिर आगे की तरफ। जी भी बस अभी बच्चों का स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है, अब जा रहा हूँ बच्चों को स्कूल लेने के लिए, तो साथ साथ रहिएगा वीडियो को देखते रहिएगा वॉच कीजिएगा। ये देखें मुर्गियाँ सारी अभी तक बाहर हैं, तो शाम का टाइम हो गया अब इंशाल्लाह इनको अंदर बंद करते हैं। जी अभी आज लाइट नहीं है, बिजली कोई नहीं है, तो अभी सेकंड टाइम हो गया, भैंसों को सारी को अभी तक चारा नहीं डाला हम लोगों ने,
ये अभी दिलावर भाई इसका हैंडल लगा रहे हैं, टोके का हैंडल लगा के तो फिर हम लोग इसके साथ अब चारे को अब काट के तो फिर डालते हैं। नहीं जी वो बांद्रा थोड़ी के साथ तो मैं अभी घर जा रहा हूँ रैंच लेने के लिए और प्लास लेने के लिए। लावर कह रहा है उसी से बनना रैंच और प्लास के साथ चलते हैं घर में रैंच और प्लास लेने। ये जी रैंच मिल गया है, प्लास नहीं मिला मुझे, पता नहीं प्लास किधर है। चलें इसी के साथ देखते हैं सही होगा। ये लें अभी लाइट आ गई है, तो लाइट आई है तो अभी चारा जो है कुतरना शुरू कर दिया है, तो इंशाल्लाह अभी 4-5 मिनट तक इनको कुतर के भैंसों को हम डाल देंगे। तो अभी भैंसों को जो डाला है उसमें तूड़ी मिक्स की है, थोड़ा सा सब्ज चारा काट के उसमें तूड़ी मिक्स करके तो भैंसों को खिला रहे हैं हम लोग। ये जा रहा हूँ, दिलावर कह रहा है कि गडवे लेके आए, तो भाई जुल्फकार भी आ गए हैं इधर ही, तो खड़े हुए हैं गेट के पास। क्यों क्या लेके आऊं? दो बोतल। अच्छा भाई सुबह सुबह ऐसा करते हैं अपनी भैंसों का दूध जो है निकाल के बोतलों में भर के रख देते हैं हमारे घर, क्योंकि बच्चे शहर में पढ़ते हैं सिटी में, तो सुबह आ जाते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। अभी मैं इनको घर से फ्रिज से दूध ला देता हूँ सारी बोतलें, ताकि ये अपना शाम का दूध लेके, तो अभी ये जा रहे हैं सांगला हिल अपने मेन सिटी की तरफ, क्योंकि रिहाइश भी उधर रखी है, बच्चे पढ़ते हैं इसलिए। ये जी भाई जुल्फकार का दूध मैं उनको देने जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह सारा दूध वाले को दे देते हैं तो जो बच जाता है वो हमारे घर रख देते हैं। भाई जुल्फकार की हवेली है ये, मैं आपको सारी उनकी भैंसें दिखा रहा हूँ। ये देखें भाई की, ठीक है भाई फिर मैं जा रहा हूँ अब, अल्लाह हाफिज। जी अभी बिल्कुल मैं अभी घर में पहुंचा हूं, तो अभी अशा की अजानों का टाइम हो गया, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैं किसी काम से गया हुआ था, अभी बिल्कुल पहुंचा हूं। जी ढेर सारी दुआओं के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।